ये मोशा है ना, मोशा मोशा मतलब मो से मोदी और शाह से शाह, ये दोनों लोगों से सरकार चल रही है, पूरा गुंडा राज मचा हुआ है। 340 सांसद कुछ नहीं करते, कुछ नहीं है, वो डुकडुकी बजाते हैं और वो पीछे पीछे चल देते हैं। राजनाथ जी का एडवाइस नहीं लिया जाता, गडकरी जी का लिया जाता, बीजेपी खत्म होगी। अभी कई MLA कई सांसद इनके इसी तरीके जो जो किसान के बेटे हैं वो जरूर बाहर आएंगे, ये हमारा विश्वास, आएंगे जरूर आएंगे, यही आना पड़ेगा, किसान की चरणों में आना पड़ेगा। इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, हरियाणा के सामने पर वो वक्त आएगा कि वो लोग सामने आएंगे, पार्लियामेंट में हंगामा होगा, इन्हीं के MP MLA इनका विरोध करेंगे और ये सरकार बिल्कुल गधे के सिर से सिंह की तरह जाएगी। ये जबरदस्ती के गुंडा राज है, जब गुंडों को बिठाया गया, गुंडे तो इसी तरीके से तानाशाही करेंगे, पर गुंडों का भी दिन आएगा और बहुत पछताएंगे, जिंदगी में कभी दोबारा लौट के नहीं आएंगे। कि भाई जिस तरीके से इन्होंने झांसे में ये बार बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट लिया है, ये किसान अब ठगने वाला नहीं है, ये किसान की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, इसकी खेती अगर जिंदा रहेगी वही इसकी जाति है, वही इसका धर्म है। हिंदुस्तान के लोग बड़े भोले भाले हैं, यहाँ बहुत भोले भाले हैं जो एक बार धोखे में आ गए हैं लेकिन बार बार नहीं आएंगे, ये हमें भी मालूम है। समझदार भी उतने जितने भोले भाले हैं उससे ज्यादा समझदार हैं, इसलिए बार बार ये धोखे में नहीं आने वाले, ये हमें विश्वास है। चोर को कहा चोरी कर और साहूकार को कहा जागते रहो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके तेर खाजा। ये है मोदी सरकार और ये मैं बड़ी सॉरी टू से आप लोग के मीडिया से, पर जो बिकाऊ मीडिया है उसको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि शर्म की बात है कि आप लोग इतनी बुरी तरीके से, मैं देखती हूँ जो स्टेटमेंट आती है तो जो मतलब सरकार के विपक्ष में बोलते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको रोकते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा गोदी मीडिया हमें नहीं चाहिए। ये मीडिया भूल रहा है कि ये जब सरकार का पलटा पलटेगा उसके बाद वो कहां जाएंगे, उसके बाद हम ही होंगे उनको उनकी जगहों से हटाने वाले। मैं ये कहना चाहेंगे कि जो कल रविशंकर जी ने इंटरव्यू किया है उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ला रही थी वो लाया हमने, झूठ क्या सर, कांग्रेस भी तो ला नहीं, जो कांग्रेस ला रही थी वो हमने लाया, अगर कांग्रेस गलत ला रही थी तो तुम भी गलत करोगे क्या, तो लोगों को क्यों झूठा कर रहे हो, लोगों को क्यों दो आईने दिखा रहे हो। पहले सरकार ने कहा था जो कांग्रेस ने गलत नीतियां अपनाई हैं उनको हम बदलेंगे, जब सत्ता इनके हाथ में है तो कांग्रेस की गलत नीतियों को क्यों नहीं बदला, ये सब एक दूसरे की टोपी दूसरे पे चढ़ाते हैं और कुछ नहीं है, किसी पार्टी को अपनी जनता का ख्याल नहीं है बिल्कुल, और हम लोग बड़े रोष में हैं और पूरा समर्थन हमारा किसान भाइयों के साथ है और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि ये अपनी मांगे वापस नहीं लेंगे। हम एक चीज कहना चाहेंगे कि इन्होंने कहा था कि मैं एक चाय बेचने वाला हूँ, लेकिन हम बड़ी इज्जत की लोगों ने चाय बेचने वाला गरीब आदमी है, अब 5-5 लाख का सूट पहन रहे हैं, 2.5 लाख का पेन ले रहे हैं, लेकिन जो चाय बेचने वाला है वो चाय तैयार करने वाले के लिए नहीं सोच रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये उनको जो है जो चाय के बागान हैं उनके लिए सोच नहीं रहा, उन किसानों के लिए सोच नहीं रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य। और मैं छोटी सी बात बताती हूँ, मेरी पोती है 7 साल की, एक दिन उसने कहा, वो पढ़ नहीं रही थी, तो मेरी बड़ी पोती ने कहा बेटा पढ़ो गुगु आप पढ़ो, तो पता क्या बोलती है, कह रही चाय वाला तो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है तो अब पढ़ाई की वैल्यू क्या रही, आप ये सोचिए 7 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात कही कि 5 रुपए की चाय बेचने वाला 5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो आप सोच लीजिए कि देश का भाग्य कहाँ पे है कि हमारा खून पसीने का पैसा तुम डकारो खाओ और मौज लो। मैं एक चुनौती के साथ कहना चाहूंगा लोकतंत्र की खूबसूरती के ऊपर, अगर मोदी जी ने मैं अपनी कैबिनेट से भी ये बिल डिस्कस नहीं किया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज इसलिए बीजेपी के लोग रिजाइन कर रहे हैं, MLA बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। किसान अगर 5 राउंड में इनके कहने पे बातचीत करने जा रहे हैं तो मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है, वो किसान के पास क्यों नहीं आ रहे हैं, मन की बात वहाँ बताओ ना आके। वक्त आएगा ना, हर चीज का वक्त है। आप कहते हैं जो विरोध करता है उसे संसद से बाहर कर दिया जाता है, ये कांग्रेस के टाइम में ही कहते थे, मनमोहन सिंह की जो रिमोट कंट्रोल है सोनिया गांधी के पास है, मैं आज बोलता हूँ बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोदी और अमित शाह जी के पास है, तो क्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर सोनिया गांधी ये कंपनियां बेच रही होती या ये बिल ला रही होती
ये बीजेपी वाले सड़कों पे लेट जाते हैं। रिमोट कंट्रोल उनके पास है और उसके उसके जो अंदर सेल पड़ते हैं वो अदानी और रिलायंस, ये सरकारी कंपनियां सोनिया गांधी बेच रही होती तो ये बोला जाता देशद्रोही है, विदेशी है। आज तुम तो देशी हो, तुम तो स्वदेशी हो। और आपका एक क्वेश्चन था ना कि ये जीतते क्यों है, सब मीडिया का ही क्वेश्चन है कि आप वोट ये पता क्यों जीतते हैं। इनको 40 संगठन तैयार करे हुए, ये मोदी जी कहते हैं जी मैं तो बिल पास करता रहूंगा। फिर आरएसएस को बोलते हैं हिंदुत्व जगा देना, देशभक्ति जगा देना और हिंद पाकिस्तान इंडिया कर देना। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कितने दल इन्होंने बना, वो दल खराब नहीं है, 340 संसद खराब नहीं है, बीजेपी खराब नहीं है। दो बंदे हैं जो देश को बेच रहे हैं, इसको जागने की जरूरत है। यार हमारा एमपी है जनरल वीके सिंह, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब वो कांग्रेस से भिड़ गए थे जब जनरल थे ये, और ये सत्यपाल जी कमिश्नर है, वो भिड़ गए थे अपने अधिकारियों से। जब राजनीति में आती है इतनी गंदी कुर्सी है, तभी अन्ना जी कहते हैं कि राजनीति इज द डर्टी गेम, क्योंकि जो राजनीति में आया बोल ही नहीं पाएगा। एक इतने इंटेलेक्चुअल लोग हमने बिठाए, अनपढ़ आदमी को तो नहीं बिठाया ना, चाहे जनरल साहब हो चाहे कोई हो, क्यों नहीं बोलते लोग हमसे। जब वोट मांगने आते हैं मोदी को वोट नहीं देते हम किसी पार्टी को नहीं देते, हम उस समय कहते हैं आप सांसद हो आप हमारी बात आगे पहुंचाना, आप आगे पहुंचाओ, एक लेटर दिखाओ भले मोदी जी माने ना माने, तुम तो साला वहां बोलते ही नहीं हो भैया, एक लेटर देके हमें दिखाओ कि मोदी जी ने ना कर दिया। तुम वो लेटर नहीं दिखा सकते, तुम्हारी इतनी बिल नहीं है, तुम जनता के लिए वो लेटर दिखा दो कि मोदी जी को हमने लेटर दिया था, मोदी जी ने कहा ये बिल नहीं हम मानेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आज इन्होंने कोविड के सारे सेक्शन लागू कर दिए। आज भारत बंद पे कोविड के सारे सेक्शन, जब रैलियां हो रही थी अमित शाह की हैदराबाद में, तब कहाँ कोविड था, तब कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग था, मास्क था, कुछ नहीं था, है ना। वाराणसी में वो गए थे देव पूजन करने के लिए मोदी जी, वहाँ पे कौन सा कोविड था, वहाँ कोई नहीं था। मुझे एक लॉजिकली बात बताइए, कहीं पे शादी होती है तो हमने 2 महीने पहले 700 कार्ड छपवा लिए, अब कहते हैं 100 बंदे आएंगे। कहीं मरना होता है, मरने में 20 नहीं जा सकते, इसमें आंदोलन हो रहा। अगर मोदी जी देशभक्त हैं, देश के नागरिक की सोचते हैं, मेरा 125 करोड़ लोगों का देश, तो भाई साहब आंदोलन खत्म कराओ, 2024 तक या फिर बिल पास कर लेना, बिल की जल्दी है, क्योंकि उनसे टाई अप हो गया, पैसा लगा चुके पूरे देश में हो, तो इसका मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, ये हिटलर ने करा था, यही आप कर रहे हो। मुट्ठी भर वोट नहीं दिए, जब एक आदमी से वोट लेते हो उसके पैरों पे पड़ जाते हो, एक सांसद वोट लेने आता है पैरों पे पड़ जाता है, जैसे ही सांसद बनता है तो फिर यूं कहता है जी मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट योर सर्वेंट, मुझे एक सांसद ने ऐसा बोला है जब मैं उसके पास कोई विषय लेके गया था। मीडिया का सही चीज दिखाए, आप लोग सही है, हर मीडिया का सही चीज दिखाए तो 2 मिनट में सत्ता उड़ जाए। सोशल मीडिया सारा इनका 30 चैनल इनके, तो फिर मीडिया तो उल्टा दिखाता है। आज जो अपने आप को नायक समझ रहे हैं, खलनायक, जो अपने आपको नायक समझ रहे हैं, पिक्चर का जब एंड होता है ना तो खलनायक का नाश होता है और नायक ही ऊपर उभर के आते हैं, और हम सब हैं नायक, वो है खलनायक। जीत हमारी होगी और 100% हमारी होगी।